हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द प्री फार्मुलेसन सो प्री फार्मुलेशन टॉपिक पे ये हमारा पार्ट फाइव वीडियो लेक्चर है एंड टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस प्री फार्मुलेशन स्टडी कि प्री फार्मुलेशन स्टडी में हम स्पेशली स्टडी करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस ड्रग सब्सटेंस एज वेल एज इन ऑर्डर टू डेवलप सेफ इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म कि जब हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो मेन मोटिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है या फिर कोई पर्पस होता है तो वो होता है कि हम सेफ डोजेस फॉर्म दिए डिजाइन करें इफेक्टिव एज वेल एज स्टेबल तो इसके अंदर हम अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं तो आज का जो हमारा पार्ट फाइव लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पार्टिकल साइज़ बिकॉज प्री फार्मुलेशन स्टडी के दौरान पार्टिकल साइज़ की स्टडी करना भी ज़रूरी है तो किस तरह से पार्टिकल साइज को हम डिटरमाइन करते हैं उस पर से हमें लास्ट में पता चलता है कि पाउडर की जो साइज़ है वो किस साइज का या फिर किस टाइप का पार्टिकल पाउडर है कि कोर्स पाउडर है या फिर फाइन पाउडर वैसे ही हमें पार्टिकल के शेप का भी जानना जरूरी होता है एज वेल एज स्पेरिकल शेप में है राउंडेड शेप में है या फिर कौन से अलग अलग सेप के अंदर वो अवेलेबल है तो बी अपडेटेड विद फॉर्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेलकॉन वीडियो ऑफ़ फार्मर सैनिवीडियो फार्मर फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप ऊपर अब अवेलेबल है तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो गूगल प्ले स्टोर पर से एपल आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर पर से ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं तो प्री फार्मुलेशन की मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाई कि रिसर्च का एक फेज़ है कि जहाँ पे हम अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं ड्रग या फिर हमारे पास कोई एक्सीपेंट वगैरह है इसकी एंड मेन टारगेट होता है हमारा कि टू डेवलप सेफ इफ़ेक्टिव एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म मतलब कि जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो प्रॉपर बने तो फार्मुलेशन मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर फार्मुलेशन तैयार करने से पहले की जो कंडीशन की जो हम कहते हैं प्री इसलिए यहाँ पे लिखा है प्री फार्मुलेशन प्री मीन्स द बिफोर बिफोर द फॉर्मुलेशन या बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट वी परफॉर्म द प्री फॉर्मुलेशन स्टडी तो पार्ट वन में हमने सीखा था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आइडेंटि आइडेंटिटी ऑफ ड्रग्स कौन सी कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है प्री फार्मुलेशन के अंदर टेस्टिंग पार्ट टू तो में माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी किया हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी थर्मल एनालिसिस एक्सरे डिफ्रैक्शन हाइग्रोस्कोपिसिटी स्टडी एफ टी आई आर जो निकाला जाता है ड्रग एंड एक्सीपिय का वो सीखा पार्ट थ्री में हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखा पार्ट फोर में मोलिकुलर एडक्ट्स की जो इंक्लूजन कंपाउंड्स कई बार हम डिज़ाइन करवाते हैं फिर हाइड्रेट्स एंड सॉल्वेट्स की जरूरत पड़ती है और उनके एग्जाम्पल समरी पार्ट फोर में था अब जो पार्ट फाइव है उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है पार्टिकल साइज बिकॉज पार्टिकल साइज का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि जब कोई भी हम डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसके पार्टिकल साइज कितनी है प्लस कौन से कैटेगरी में आती है वो पार्टिकल साइज़ कोर्स पाउडर है या फिर फाइन पाउडर है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर

वेरियस टर्म्स की जो हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज के बारे में कि जब पाउडर काफी कोर्स होता है तो उसको हम कहते हैं वेरी कोर्स मटेरियल और वेरी कोर्स मटेरियल के लिए जो मैस साइज जो नक्की की गई हुई है वो है एट मैस साइज का पाउडर कि जब आपके पाउडर की जो मैस साइज है कि जब आप उसको सिम में से पास करते हैं और एट मैस हैस का जो मतलब होता है सिंबल वो होता है मैस कि ये जो सिंबल है दैट इज कॉल ए मैथ नंबर तो जो मैस है एट मैस वाला जो पाउडर जो कहा जाता है वो वेरी कोर्स फिर कोर्स पाउडर की जिसके लिए है ट्वेंटी मैस मॉडरेटली कोर्स मतलब कि फोर्टी मैस मतलब कि ऐसा पाउडर कि जो फोर्टी मैस में से आपका पास हो जाएगा प्लस वेरी कोर्स पाउडर मतलब कैसा पाउडर की जो एट मेस वाली जो सीव होगी उसमें से पास हो जाएगा कोर्स पाउडर की जो ट्वेंटी के समझे कि आपने कोई यहां पे सीव रखी है यह है हमारे पास कोई सीव और यह सीव के जो मैस नंबर है वो है एट मैस नंबर तो जो भी मेरा मटेरियल है वो मैं यहां पे जो है वो डाल रहा हूं और नीचे पास होके मुझे यहाँ पे नीचे जो है वो मटेरियल मिल रहा है तो मटेरियल यहां से इन और यहाँ से आउट ऊपर से इन नीचे से आउट हुआ फ्रॉम दिस एट नंबर सीव के आइट मैस नंबर वाले सीव में से वो मटेरियल पास होके मुझे नीचे मिल रहा है तो एट नंबर के मैस मतलब कि वन इंच की जो लेंथ होगी मैच नंबर भी मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं कि समझो कि मैच जो है वो इस तरह से तैयार होती है कि जो अलग अलग वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस होके हॉल तैयार करते हैं अब समझो कि वन इंच की यहां पे लीनियर लेंथ है वन इंच और वन इंच के अंदर टोटल एट मैथ है वन इंच के अंदर टोटल एट मैस समझो कि ये मैस नंबर वन ये सेकंड मैस ये थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन और एक और यहां पे बना रहा हो एट और ये जो डिस्टेंस है वो है समझो कि वन इंच इतना जो डिस्टेंस है वो है कितना वन इंच का डिस्टेंस है अब ये वन इंच के डिस्टेंस में टोटल कितने मैस है एट तो उसका मतलब हुआ कि यह जो सीव है उसका नंबर है एट नंबर वाली सीव और ये सीव में से जो पार्टिकल या फिर जो भी पाउडर पास हो जाता है उसकी साइज हम कहते हैं कि वो पाउडर की जो साइज है वो होगी एट मैस पाउडर तो एम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये कि जब आपका पाउडर हंड्रेड परसेंट पास हो जाता है एट नंबर के मैथ में से तो उसको हम कोर्स का पाउडर कहते हैं कि कोर्स उसकी साइज काफी बड़ी है बड़े साइज का पाउडर है वो कोर्स पाउडर कि दानेदार पाउडर जो हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स जैसा जो पाउडर कहते हैं वो कहा जाता है कोर्स पाउडर तो उसमें दो कैटेगरी बनती है कि एक इंच में एट मेस से या फिर एक इंच के अंदर टोटल ट्वेंटी मेस से तो वो कहा जाएगा ट्वेंटी मेस पाउडर कि वो भी कोर्स में ही है फिर जैसे जैसे ये सीव नंबर आगे बढ़ता जाता है वैसे पार्ट ये मैस है वो छोटा होता जाता है समझो कि ये एक इंच में मैंने एट मैस सेट किए है वैसे ही मैं एक इंच के अंदर जितनी ज़्यादा ये सेट करूँगा इतना जो हॉल है वो मैस है वो कहता हो जाए जाएगा छोटा होता जाएगा जिसके कारण जो हॉल तैयार होगा वह काफ़ी छोटा होगा और उसमें से पार्टिकल भी जो पास होंगे वो ऐसे होंगे कि जो काफ़ी छोटे होंगे काफ़ी बारीक पा होंगे वो ही उसमें से पास होंगे जिसके कारण फिर कहा जाता है कि फाइन पाउडर की जो 60 मैस कि एक इंच के अंदर जब हम यहाँ पे 60 सेट करें मैस तो उसमें से जो पाउडर पास हो जाता है वो कहा जाता है एकदम फाइन पाउडर और उससे भी काफी फाइन की जब वो होती है 80, हंड्रेड और वन ट्वेंटी जितना तो वेरी कोर्स कोर्स एंड मॉडरेटली एट ट्वेंटी एंड फोर्टी ये तीन आपको याद रखने हैं बेज ऑन पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज की कैरेक्टराइजेशन क्या है पार्टिकल साइज का यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि पैरामीटर दोज आर मेजर इन दिस आर पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टिकल साइज जो है वो डिपेंड करती है जब आप समझो कि कोई मटेरियल जो है कि समझो कि आप टैबलेट बना रहे हैं तो उस वक्त जो आपको पार्टिकल साइज जो चाहिए वो ऐसी चाहिए कि जिसके कारण वो आप टैबलेट जो है वो इजीली बना सके प्लस आपका जो इक्विपमेंट है कि लाइक टैबलेट पंचिंग मशीन है उसके अंदर ज्यादा फाइन पाउडर भी यूज नहीं कर सकते बिकॉज फाइन पाउडर से कॉम्प्रेसिबिलिटी एज वेल एज फ्लो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आ सकता है और ज्यादा कोर्स होगा तो भी जो है वो प्रॉपरली सेट नहीं होगा कॉम्प्रेसिंग के दौरान तो जरूरी है कि मॉडरेटली कोर्स पाउडर जब आप यूज करें जब आपको टैबलेट बनानी है मॉडरेटली कोर्स या फिर कोर्स इसीलिए आप जब ग्रेन्यूल्स बनाते हो तो ग्रेन्यूल्स को, को प्रॉपर सीव में से पास करते हैं टेन या फिर ट्वेंटी नंबर के सीव में से पास करके नीचे जो आपको ग्रेन्यूल्स मिलते हैं वो आप यूज करते हैं फॉर फर्दर टैबलेटिंग तो पार्टिकल साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सी अलग अलग साइज में पाउडर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि लाइक वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो हमने अभी देखा कि वेरी कोर्स पाउडर फिर कोर्स मॉडरेटली कोर्स फाइन एंड वेरी फाइन तो ये जो पांच अलग अलग टाइप्स पढ़ते हैं वो कहा जाता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्टिकल साइज तो सबसे पहले पार्टिकल साइज आप डिटरमाइन करो और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करो कि ये जो मेरे पास मटेरियल है वह वेरी कोर्स है ये मटेरियल कोर्स में आता है ये मॉडरेटली कोर्स ये फाइन है ये वेरी फाइन है तो इस तरह से वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है माइक्रोमेरिटिक्स का जो हमारे लेक्चर्स है उसमें हमने यही टॉपिक आपको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो वो लेक्चर भी आप जरूर से देख सकते हैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करना तो माइक्रोमेरिटिक्स की जो पार्टिकल इंजीनियरिंग का जो मेन टॉपिक है पाउडर इंजीनियरिंग या फिर पार्टिकल इंजीनियरिंग की जो स्पेशली डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी वगैरह तो आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको वो लेक्चर्स की लिंक जरूर से मिल जाएंगी फिर सेप ऑफ द पार्टिकल भी अफेक्ट करता है एंड सरफेस मॉरफोलॉजी ऑफ द पार्टिकल सरफेस मॉर्फोलॉजी मतलब कि पाउडर जो है वो आपका स्मूथ है या फिर रफ है अब जब हम टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं टैबलेट के ग्रैन्यूल्स हम ऐसे चाहते हैं कि वो ग्रैन्यूल्स फेरिकल बने प्लस उनकी जो सरफेस है वो स्मूथ रहे बिकॉज जब वो पाउडर टैबलेट पंचिंग के दौरान जब ये हॉपर में से पास होकर पंचिंग स्टेशन की ओर जाता है तो पाउडर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो हम रिड्यूस कर सके इसलिए हम चाहते हैं कि वो भले कोर्स या फिर मॉडरेटली कोर्स साइज में हो बट हम चाहेंगे कि उसका जो सेप होगा वो स्पेरिकल एज वेल एज स्मूथ सेप में हो और अगर ऐसा ना हो तो उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं कि जैसे कि ग्लाइडेंट है टाल्क है मैग्नेशियम स्टीरेट है जैसे लुब्रिकेटिंग एजेंट एज वेल एज ग्लाइडेंट की जो फ्लो प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं वैसे इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूट करना ही ज़रूरी है बट प्री फार्मुलेशन के दौरान जब आप जिस टाइप का डोजेस पम्प बनाते हैं उस टाइप का आपका पाउडर की सरफेस मार्फोलॉजी भी अच्छी होना जरूरी है कि जब आपको ऐसा पाउडर चाहिए कि जिसकी जो है वो साइज़ मॉडरेटली में हो बट होना चाहिए स्मूथ तो वो आपको पहले अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और फिर आगे फर्दर फार्मुलेशन बनाना चाहिए नहीं तो समझो कि गलती से आपने रफ वाला पाउडर ले लिया तो आगे जाके प्रॉब्लम ये होगा कि जब आप टैबलेट बनाओगे तो उस वक्त आपको फ्रिक्शन का प्रॉब्लम बहुत ही जो है वो परेशान करेगा और जिसके कारण जो आपके ग्रैन्यूल्स होंगे ये हॉपर में से आसानी से पास नहीं होंगे और जिसके कारण जो आपकी टैबलेट बनेगी और कुछ टाइम समझो कि पाउडर ज़्यादा गिर जाता है तो वो टैबलेट ओवरवेट वाली बनेगी और कुछ समय ऐसा होगा कि पाउडर कम गिरता है पंचिंग स्टेशन के ऊपर तो उस वक्त जो टैबलेट जो है वो कम वेट वाली बनेगी बिकॉज आप जो पंचिंग स्टेशन के ऊपर प्रॉपर सेटअप करके ही रखते हैं कि इतने टाइम में इतना पाउडर वहाँ पे जो है वो प्रॉपर फ्लो हो के नीचे आएगा और तुरंत उसकी जो टैबलेट है वो जो है वो कंप्रेस हो जाएगी बट समझे कि कुछ समय में जो ब्लॉकिंग के कारण कि रब सरफेस क्या करेगी कि फिर प्रॉपर इजीली यहाँ से पाउडर पास नहीं होगा रफ सरफेस के कारण जो है वो इजीली स्मूथली पाउडर नीचे नहीं आएगा तो कुछ बार कुछ बार वो ब्लॉक भी हो सकता है कुछ बार समझो कि ब्लॉकेज हट गया तो एक साथ पूरा पाउडर नीचे गिर सकता है तो आगे जाके आप काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते कि जब आप प्रॉपर प्री फर्मेशन स्टडी परफॉर्म नहीं करते तो जरूरी होता है प्रॉपर पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर लेना और उसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करना जरूरी है तो पार्टिकल साइज कैन इन्फ्लुएंस वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पार्टिकल साइज के कारण कौन से फैक्टर्स आपको आगे जाके अफेक्ट कर सकते हैं कि समझो कि आपके पार्टिकल साइज अच्छी नहीं होगी तो डिसोल्यूशन रेट ऊपर फर्क पड़ेगा पार्टिकल साइज कैन अफेक्ट द डिजोल्यूशन रेट कि डिजॉल्यूशन जब होता है कि टैबलेट आप ली है टैबलेट जो है होती है डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद उसका होता है प्रॉपर एब्जॉर्बसन होता है और फिर डिसोल्यूशन तो प्रॉपर जब पार्टिकल साइज होगी तो सरफेस एरिया अच्छे से इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो प्रॉपर जो है वो एब्सॉर्बसन के लिए मीडियम मिलेगा और इजीली वो एब्जॉर्ब होगा और फिर आगे आपको डिसोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा बट काफ़ी बड़े साइज के पार्टिकल से समझो कि जल्दी से उनका एब्जॉर्बसन करना डिफिकल्ट हो जाता है तो उस वक्त उनका इतना सरफेस एरिया भी अच्छे से इंक्रीज नहीं होता और डिसोल्यूशन पे अफेक्ट होता है लाइक टैबलेट तो टैबलेट ये वाली साइज की है कि समझे इस टाइप की हमने टैबलेट या फिर कैप्सूल बनाया है टैबलेट ही ध्यान रखो अब डिस होने के बाद ये जो है वो वन साइज हो गई कि जो साइज कैसी है बिगर साइज हम कह सकते हैं अब डिस होने के बाद यही टैबलेट ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है अब इस तरह से क्या होगा कि यहां पे है साइज तो स्मॉल है साइज इज स्मॉलर बट सरफेस एरिया इंक्रीज है यहां पे साइज बिगर बट डिक्रीज सरफेस एरिया तो प्रॉपर एब्सॉर्पन के लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होना चाहिए तो ही प्रॉपर जो है वो आपको आगे जाके एब्जॉर्प्शन मिलता है एंड डिसोल्यूशन तो पार्टिकल साइज अफेक्ट करेगी आपका डिजोल्यूशन रेट ऊपर फिर सस्पेंडेबिलिटी पर कि आपने किसी कोई सस्पेंशन बनाया है और उसको बना के फिर ये मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप रखते हैं तो लार्जर साइज के समझो कि आपके पार्टिकल होंगे काफी लार्ज साइज के तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पार्टिकल्स तुरंत नीचे जल्दी से सेटल से हो जाएंगे कि ये बिगर साइज के पार्टिकल है तो जल्दी से नीचे क्या हो गए उनका सेडिमेंटेशन तो लार्जर होगी पार्टिकल साइज तो सेडिमेंटेशन काफी फास्ट होगा और उसी के बाजू में एक और डायग्राम में ड्रॉ करता हूं कि काफी स्मॉल साइज के ऐसे पार्टिकल है तो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा कम अप्लाई होगा बिकॉज हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू जी मतलब कि मास लार्ज पार्टिकल होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा और स्मॉल पार्टिकल होगा तो मास उसका कम होगा कि जिसके कारण एफ उसको कम लगेगा और सेडिमेंटेशन जो है वो काफ़ी स्लो होगा तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन फास्ट होगा और यहाँ पे सेडिमेंटेशन जो है वो काफ़ी स्लो होगा तो ये है सस्पेंडेबिलिटी कि जो सस्पेंशन बनाते हैं आप उसकी सस्पेंडेबिलिटी अफेक्ट करती है पार्टिकल साइज के ऊपर और तीसरी चीज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब आप यहाँ पे देखो सस्पेंशन में ही हम देखते हैं कि जब स्मॉल साइज के पार्टिकल से तो इजीली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका मटेरियल तो ये सब चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है जब आप कोई डोजेस फॉर्म बनाते हैं कि कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे बनाने पड़ते हैं कि जिसके अंदर पार्टिकल साइज थोड़ी लार्जर हो कुछ डोजेस फॉर्म ऐसे भी बनाने पड़ते हैं कि जिसके अंदर हमें स्मॉल साइज के पार्टिकल्स की ज़रूरत है तो अल्टीमेटली पार्टिकल साइज जो है वो आपको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है डिजोल्यूशन रेट पर भी उसका अफेक्ट होता है सस्पेंजन या फिर इमल्सन है तो उसके अंदर सस्पेंडेबिलिटी पे अफेक्ट करता है स्पेशली सस्पेंशन के अंदर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे भी वो अफेक्ट करता है फिर पैनेट्रेबिलिटी कि पार्टिकल साइज काफी स्मॉल होगी तो इजीली वो आपकी जो नेडल है उसमें से पास हो जाएगा और पेशेंट को आप वो इंजेक्शन इजीली दे पाओगे तो उससे क्या होगा जो पेनेट्रेशन है जो हम कहते हैं पेनेट्रेशन वो पेनेट्रेशन आसान हो जाता है जब पार्टिकल साइज कैसी होती है डिक्रीज इसीलिए जो है नैनो साइज पे ज्यादा काम करते हैं नैनो साइज माइक्रो साइज बिकॉज सीरीज के अंदर आप इजीली उसको फिल करके पेशेंट को जो है वो डिलीवर कर सकते जिससे आपका पेनेट्रेशन एनहांस होता है तो ये है पार्टिकल साइज और उसके अलग अलग इफेक्ट्स तो अलग अलग मेथड और उनकी कैपेसिटी टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज दिस इज वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट कि जो हम बाजू में ये जो साइज लिख रहे हैं यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते कि वेरी वेरी, वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट काफी एमसीक्यू ये टॉपिक में से पूछे जा सकते, सकते हैं क्या अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं नाइपर, डीआई या फिर कोई फार्मासिस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए है काफी मोस्ट आईएमपी पॉइंट तो जरूर से अब आगे ध्यान रखिए ये पॉइंट्स के दौरान जरूर पड़े तो नोट्स जरूर से उसमें से डिजाइन करिए तो जब आप सीविंग यूज करते हैं तो आपको जो पार्टिकल साइज आपको मिलती है 50 से लेकर 150 माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में पॉइंट टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर साइज आपको अचीव होती है थर्ड इज सेडिमेंटेशन रेट मेथड यू कैन अचीव द पार्टिकल साइज बिटवीन वन टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर फोर्थ वन इज लाइट एनर्जी डिफ्रेक्शन टेक्निक पॉइंट फाइव टू फाइव हंड्रेड माइक्रोमीटर लेजर होलोग्राफी वन पॉइंट फोर टू हंड्रेड माइक्रोमीटर साइज एंड स्केड इम्पेक्शन द पार्टिकल साइज बिटवीन 0.1 पॉइंट वन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर तो ये जो पॉइंट है उसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते तो मोस्ट आई एम पी फॉर मोस्ट आई एम पी फॉर एम सी क्यूस एम सी क्यू के लिए ये पॉइंट आप जरूर से अच्छे से याद रखिए तो डिटेल में सीखते हैं अब कि जो सीविंग मेथड है कि जिसके अंदर स्पेशली हम सीव सेकर मशीन को यूज़ करते किस तरह से जो सीव है वो सेट की जाती है कि जो फाइन सीव है वो सबसे नीचे है एंड जो कोर्स हम कहते हैं लार्ज साइज़ की वो ऊपर की लाइक एटी एम एम है फोर्टी एम एम ट्वेंटी एम एम इवन आप मेस की साइज़ में भी रख सकते हैं कि ऊपर समझो कि आपने टेन मैस का रखा है फिर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और नीचे समझो कि डायरेक्टली आपने रखा है वन ट्वेंटी मैस तो अकॉर्डिंग टू मैस भी आप सेट कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली मिलीमीटर या माइक्रोमीटर साइज से भी आपको लेबलिंग करके दी हुई है सीव्स, तो वो भी आप रख सकते हैं और सबसे नीचे कलेक्टिंग पान होता है तो इसकी जो रेंज की जो हमने आगे भी देखा समराइज में फिफ्टी टू वन फिफ्टी माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल्स आपको जो है वो प्रॉपर मेजर करके देती है सिंपल मेथड है एक्सपेंसिव इफ पाउडर इज नॉट ड्राई द अपरेटर्स गेट क्लोग जरूरी है कि यहाँ पे जो मैस होगी इस तरह से ऊपर से हम देखें तो इस तरह का पूरा मैस होगा कि जिसके अंदर ये सीव होगी तो समझो कि आपका पाउडर जो है वो ड्राई नहीं है मतलब कि पाउडर हैव मॉइस्चर पाउडर हैव मॉइस्चर कि पाउडर के अंदर मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट है तो उसके कारण क्या होगा मॉइस्चर वाला पाउडर यहां पे समझो कि यहां पे इस तरह से अटैच हो जाता है यहां पे भी सेट हो गया तो उसने क्या करता है फिर क्लोगिंग करता है यह आपकी जो मैस है उसको क्लॉग कर देता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए जरूरी होता है कि जब आप ये मेथड यूज करो तो पाउडर मस्ट बी ड्राई पाउडर मस्ट बी ड्राई तो सेकर मशीन को यूज करने से पहले आप एटलीस्ट मिनिमम टेन या पंद्रह मिनट के लिए हॉट एयर एवन या फिर ट्रेड ड्रायर के अंदर आपका पाउडर रख के उसको ड्राई करके फिर उसका ये एनालिसिस कर सकते कि आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं किसी भी फॉर्मुलेशन को तैयार करने से पहले तो उसके आप पार्टिकल साइज जरूर से मेजर कर लें तो ये एक टेक्निक है उसके अलावा हम देखें तो सीव सेकर मशीन काफी फेमस है इसके अंदर उसके बाद सेकंड है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के जिसके अंदर आप जो है वो एक तो स्टेज माइक्रोमीटर कि जो आप नीचे यहां पे लग, रखते हैं कि वो स्टेज माइक्रोमीटर और ये ऊपर की ओर आप जो रखते हैं वो है आई पीस और फिर आप क्या कर सकते करते हो मैचिंग करते हो कि ओवरलैपिंग रेटिकल एंड माइक्रोमीटर स्केल की जो आपके आई पीस है और जो आपका माइक स्टेज माइक्रोमीटर है कि यहाँ पे जो आप रखोगे स्टेज के ऊपर और एक रखोगे आप यहाँ पे आई पीस के ऊपर तो दोनों के जो आप मैचिंग करोगे इस तरह से कि नीचे आपके ये दिख रहे हैं वो है स्टेज का और आप जब आपके आइज के अंदर देखते हैं ऊपर से तो ये आपको देखने को मिलते हैं तो आप डिविजन्स जो है वो मैच करके जो है वो ये परफॉर्म करते हैं कि ये आई के डिवीज़न है ये वाले जीरो से लेकर आपको टेन तक देते हैं और माइक्रोमीटर के अंदर आपको इसके नीचे डिवीज़न होते हैं हंड्रेड तक तो प्रॉपर आप मैचिंग करते हो डिजन्स को और फिर उसका एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद फर्दर उसकी पार्टिकल साइज आप मेज़र करते हैं तो ये टेक्निक को मैंने डिटेल में आपको सिखाया था जब हमने माइक्रोमेरेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो आप यहाँ पे आई बटन होता है आई बटन पे क्लिक करोगे तो माइक्रोमेरेटिक्स के लेक्चर हमने वहाँ पे रखे तो जब आपको ये टेक्निक डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से आप माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से किसी भी मटेरियल का पार्टिकल साइज एनालिसिस करोगे तो आप सीख सकोगे बिकॉज यहाँ पे हम मेनली कवर कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स की जो हम प्री फॉर्मुलेशन के दौरान यूटिलाइज करते हैं तो डिटेल में सभी टेक्निक्स को हमने अलग अलग वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी आपको सिखाया ही है तो आई बटन पर क्लिक करके माइक्रो मेरेटिक्स जो लेक्चर है वो ज़रूर से आप एक बार देखिए मोस्ट डायरेक्ट टेक्निक है कि जब आप सिर्फ आपको आईपीस माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर इवन आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक से फाइबर की लेंथ विर्थ कैल्शियम ऑगजिलेट पाउडर के कैल्शियम ऑगजिलेट जो क्रिस्टल होते हैं उसकी साइज आपने मेजर की होगी स्टार्च ग्रेन की डाई फाइंड आउट किया होगा और सिटिक्स के प्रैक्टिकल में भी सस्पेंसन इमल्सन वगैरह की ग्लोबल साइज आपने माइक्रोस्कोपी वाली टेक्निक से जरूर से की होगी परफॉर्म लेबोरेटरीज के दौरान तो ये यही टेक्निक है और प्रोजेक्ट के दौरान भी आप माइक्रोस्कोपी की ये टेक्निक को यूज़ करके आपके मटेरियल की पार्टिकल साइज़ फाइंड आउट कर सकते हैं बट ये मेथड काफ़ी स्लो हो जाती है एज वेल एज टेडियस बिकॉज़ उसकी जो कैलकुलेशन होती है मैंने आपको समझाया था कि कैलकुलेशन के लिए आपको पूरा एक टेबल बनाना पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी आप लिखते हो फिर उसका सेटअप कर दो कि दस से लेकर बीस से तो उसका मीडियन आप निकालते हो पंद्रह फिर एफ आई निकालते हो एक्स आई एफ आई एक्स आई करते हो और जो फार्मूला होता है कि एवरेज पार्टिकल साइज इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन तो ये पूरा जितने भी आपने फ्रीक्वेंसीज रखी है वो सभी का ये टेबल तो टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक बन जाती है ये काफ़ी टाइम लेता है प्रॉपर आपको पहले तो फैक्टर फाइंड आउट करना होता है और फैक्टर के बाद आप जो है वो अलग अलग रीजन्स में समझो कि आपको ये रीजन में कितने पार्टिकल्स देखने को मिले वो आप काउंट करोगे और ये टेबल में रखोगे फिर उसके रिलेटेड आप कैलकुलेशन करोगे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में आप उसका रिजल्ट जनरेट करोगे तो स्लो एंड टेडियस मेथड इसीलिए बन जाती है फिर है एक सेडिमेंटेशन की टेक्निक की जिसके अंदर हम एंडरसन पीपेड यूज करते थे दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन दैट्स वी हैव चेंज हियर दैट कलर स्काई ब्लू से इसीलिए दिखाया है रेंज एक से लेकर 200 माइक्रोमीटर है वन टू टू हंड्रेड माइक्रोमीटर एंड हियर इज दैट एंडरसन पीपेट हियर इज दैट एंडरसन पीपेड की जो सेडिमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करती है एंड हमें हेल्प करती है टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज तो स्टॉक्स के लो को यूज करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये फार्मूला अभी इस तरह से लिखा है बट मैं इस तरह से भी उसको लिख सकता हूँ डी एस टी पूरा अंडर रूट एटीन ईटा जीरो फिर एच डिवाइडेड बाय रो एस माइनस रो जीरो इंटू जी टी इंटू जी टी तो इस तरह से मैं भी मैं ये फार्मूला को लिख सकता हूँ तो जहाँ पे एच होगा डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम कि जो यहाँ पे जो मटेरियल का जो सेडिमेंटेशन होगा वो डिस्टेंस की यहाँ पे लिखा है टेन सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर कि जो डिस्टेंस से वो फॉल हो रहा है वो फिर डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम इटा जीरो है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम विस्कोसिटी का जो सिंबल हम कहते हैं इटा फिर रो एस की रो सिंबल होता है डेंसिटी के लिए तो और एस है मतलब कि पार्टिकल्स की डेंसिटी और जीरो वो डिस्पर्जन मीडियम की जो आपके पास मीडियम है उसकी जो कि मीडियम के तौर पे वाटर है तो आप रो जीरो में डेंसिटी वाटर की लोगे और पार्टिकल की समझो कि कैल्शियम कार्बोनेट के पाउडर है तो उसकी डेंसिटी आप रो एस में लिखोगे मीडियम की विस्कोसिटी मतलब कि जो आपके पास वाटर है मीडियम के तौर पे, तो उसकी आप विस्कोसिटी लिखोगे एंड जी एक्सर ड्यू टू ग्रेविटी तो उसके बाद आपको ये वैल्यू जो है वो मिलती है कि जिससे हम सेडिमेंटेशन मेथड के यूज करके पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं लाइट एनर्जी डिफ्रैक्शन टेक्निक भी यूज होती है कि जिसकी रेंज होती है 0.5 फाँग से 500 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज डिटरमाइंड बाय द रिडक्शन इन लाइट ये कॉन्सेप्ट आप समझिए अच्छे से कि इसके अंदर डिटरमिनेशन कैसा होता है तो बाय रिडक्शन इन लाइट रीचिंग रिचिंग सेंसर एस द पार्टिकल साइज इन लिक्विड और गैस और पासिस थ्रू द सेंसिंग जोन ये आपके पास यहाँ पे है ये लाइट सोर्स यहाँ पे डिफ्रेक्टिंग ग्रेटिंग है एपरचरी और यहाँ पे आपका सैम्पल है तो जो लाइट का जो रिडक्शन होगा कि जो डिटेक्टर या फिर एनालाइजर है वो कितनी लाइट आ रही है कितनी लाइट कम अमाउंट में आ रही है या फिर ज़्यादा अमाउंट में आ रही है वो यहाँ से पता लगेगा कि आपके मटेरियल के पार्टिकल साइज ज्यादा है तो वो लाइट को काफ़ी रेजिस्ट करेंगे तो उस वक्त लाइट जो है वो काफ़ी कम आएगी और पार्टिकल काफ़ी छोटी साइज के हैं तो वो उसके आसपास रही जो स्पेस होगी उसमें से लाइट को पास होने देंगे कि जिससे कारण क्या होगा जो लाइट है वो डिटेक्ट होगी तो ये डिटेक्टर लाइट की जो इंटेंसिटी कि डिम लाइट होती है या फिर फुल लाइट या फिर मीडियम लाइट उसके बेसिस पे आपको पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमिन करके देते हैं और ये काफ़ी क्विक एंड फास्ट होता है लाइट एनर्जी डिफ्रेक्सन तो ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इवन रेंज भी अच्छी है पॉइंट फाइव से लेकर 500 माइक्रोमीटर के रेंज में आप जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं फिर है लेजर होलोग्राफी का ऑप्शन कि जिसके अंदर रेंज है 1.4 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज है पल्स लेजर इज फायर थ्रू एन एरोज पार्टिकल्स स्प्रे एंड फोटोग्राफ इन थ्री डायमेंशनल विथ होलोग्राफिक कैमेरा ऑल द पार्टिकल्स टू बी इंडिविजल इमेज एंड साइज तो जो लेज़र लाइट है यहाँ पे यूज होती है यहाँ पे एक क्रिस्टल लेजर लाइट स्प्लिटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और फोटोग्राफिक प्लेट है तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एरोलाइज एरोसोलाइज पार्टिकल स्प्रे एंड फोटोग्राफी इन थ्री डायमेंशनल थ्री डी इमेज हमें यहाँ पे मिलती है फोटोग्राफिक प्लेट पे ऊपर और उससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल साइज कितनी है और किस टाइप की वो साइज है फिर कस्कड इंपैक्टर की जो यूज होता है पॉइंट वन से लेकर हंड्रेड माइक्रोमीटर उसकी रेंज है द प्रिंसिपल दैट अ पार्टिकल ड्राइवन बाय अ एयर स्ट्रीम विल हीट ए सरफेस विल hit a surface in its path and provide that its inertia is sufficient to overcome the drag force that tends to keep in the air stream to yaha pe jo measure hota hai ki cascade impactor hum yaha pe dekh sakte hain तो इसके अंदर क्या है यहाँ पे एक पिस्टन पंप लगाया हुआ है फिर यहाँ पे फिल्टर से कनेक्टर है कि जिसको कस्केड कहा जाता है और नेबुलाइजर है तो इसके अंदर क्या है कि पार्टिकल्स को फोर्सफुली कि जैसे एयर स्ट्रीम से हम जैसे फोर्सफुली किसी मटेरियल को पास करते हैं यहां पे देखो कंप्रेस एयर है तो जो भी आपका मटेरियल है उसको कंप्रेस एयर के साथ फोर्सफुली ये पाथवे के अंदर भेजा जाता है एंड एयर स्ट्रीम के अंदर होते हैं विल हीट ए सरफेस इन इट्स पाथ अब समझो कि कोई पार्टिकल यहां से आ रहा है और और ये पार्टिकल कि जा रहा है, सरफेस पे आके वो हीट कर रहा है हीट ए सरफेस इन इट्स पाथ उसके पाथ में जो भी सरफेस आती है उसको वो हीट करता है समझो कि मैं आपको कि आप आपको एक गली है छोटी सी की इस टाइप की कोई गली है छोटी सी और उसमें मैं आपको दौड़ने को कहूँ फुल स्पीड में और बीच में कई कई जगह पे कोई ऑब्जेक्ट्स भी है कोई पाथ है तो वहां पे आप कई बार किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो हिट भी कर सकते हैं इवन आप खुद भी जो वॉल होगी वहां पे अथड़ा सकते हैं एज वेल एज आपका इम्पैक्ट होगा कि जिसको हम कह सकते हैं कि हीट अ सरफेस ऑन इट्स पाथ आप किसी भी बीच में सरफेस पर हीट कर सकते हैं अगर आप जो है वो काफ़ी आपकी साइज ज़्यादा है तो वो जो हीट कि जो आप जिससे टकराते हैं वो पता चलेगा कि वो किस तरह का इम्पैक्ट होता है हीट होता है एंड प्रोवाइड दैट इट्स इनर्ट या इज सफिशेंट टू ओवरकम द ड्रग फोर्स दैट टेंस टू कीप इन इट्स एयर स्ट्रीम तो इस तरह से कस्कड इम्पैक्टर से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है अबाउट द पार्टिकल साइज और उसका डायरेक्टली आपको रिजल्ट जो है वो जनरेट होकर मिलता है कस्केड इम्पैक्टर पर से और आपको पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमाइन हो जाती है तो यहां से एमसीक्यू के अंदर यही पूछा जाता है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोविंग ईज वर्क द प्रिंसिपल दैट अ पार्टिकल ड्राइवन बाय एयर स्ट्रीम विल ही सरफ एस इन इट्स पाथ तो ये वाला पूरा सेंटेंस आपको लिखा होगा और एमसीक्यू के नीचे जो चार अलग अलग ऑप्शन उसमें से आपको उस वक्त सिलेक्ट करना कि दिस और उसकी जो रेंज है पॉइंट वन से लेकर हंड्रेड माइक्रोमीटर के बीच में अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है वह है पार्टिकल सेप तो अलग अलग सेप के हम पार्टिकल्स खासकर देखते हैं कि लाइक ये जो है वो कम्प्लीटली स्फेरिकल एंड स्मूथ है कम्प्लीटली स्पेरिकल और उसकी जो सरफेस है वो भी स्मूथ सरफेस है फिर बाजू में जो है वो है स्फेरिकल तो है ही बट रफ सरफेस है उसकी ये सरफेस काफी रफ है ये स्फेरिकल थोड़ा बहुत है बट इरेग्युलर है कुछ जगह पे थोड़ा स्फेरिकल कुछ जगह पे वो फिर से उसकी साइज चेंज होती जा रही है ये है कुछ राउंडेड साइज सेप एंगुलर सेप है एलोंगेटेड एंड इरेगुलर सेप एसिक्यूलर सेप कि जिससे अलग अलग हम ऐसे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स देखते हैं ऐसे एसिक्युलर साइज के एंगुलर डेंड्रिटिक तो ऐसे अलग अलग हमें साइज तो मिलती है कि और uh, हम देखें तो रफ जो है वो इस तरह से हमें देखने को मिलती है उसकी जो सरफेस पूरी रफ होती है तो पार्टिकल सेल विल इफेक्ट द सरफेस एरिया पार्टिकल सेव विल अफेक्ट द सरफेस एरिया ऑल्सो द फ्लो प्रॉपर्टी पैकिंग एंड कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल कि जब समझो कि स्फेरिकल और स्मूथ सेप के एक ही साइज के प्रॉपर मटेरियल है तो आप उसको प्रॉपर पैक भी कर सकते हैं इवन उसका फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी सरफेस एरिया भी आपका प्रॉपर इंक्रीज होगा और जिसके कारण डिजोल्यूशन अच्छा मिलेगा आपको एब्जॉर्बसन अच्छा होगा बट सामने रफ है तो काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको डिजॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब के अंदर एज वेल एज पहले तो जब आप टेबलेटिंग ही के मैन्युफैक्चरिंग करोगे उस वक्त ही आपको जब आपके ग्रेन्यूल्स स्फेरिकल तो बट रफ हो गए तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा फ्लो प्रॉपर्टी का कि फ्लो प्रॉपर्टी रफ सरफेस के कारण डिक्रीज हो सकती है तो वो सब फैक्टर्स अफेक्ट करते कि जब आपका मटेरियल होता है रफ इवन राउंडेड इस तरह से हो इरेग्युलर सेफ हो एंगुलर हो या फिर एसिक्युलर हो तो भी आपको डिफिकल्टी फेस होनी पड़ती है पैकिंग फ्लो प्रॉपर्टी एंड सरफेस एरिया के अंदर सो हैज ए मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम तो दिस इज अम सी क्यू पिन पॉइंट एम सी क्यू पिन पॉइंट विच ऑफ द फॉलोविंग मिनिमम सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम तो दैट्स why uh, that's time you have to select this option so question is that which of the following has a minimum surface area per unit volume and you have got the various options like rounded angular spherical or the acicular so that time you have to select this option sphere has a minimum surface area per unit volume देयर फॉर धिस प्रॉपर्टी कैन बी कंपेयर फॉर स्पीयर एंड असिमेट्रिक पार्टिकल इन ऑर्डर टू डिसाइड द सेफ अब जब हमें सेफ को डिसाइड करने होते हैं तो हम स्पेरिकल के कंपेयर में हम दूसरे पार्टिकल्स को डिजो है वो हम करते हैं प्रॉपर सेट कि देयर फॉर धिस प्रॉपर्टी कैन बी कंपेयर फॉर स्पीयर एंड असिमेट्रिक पार्टिकल कि स्पेरिकल और स्मूथ मटेरियल और ऐसे कि जो असिमेट्रिक होते हैं कि लाइक यहाँ पे तो यहाँ पे कोई सिमेट्रिक हमें देखने को नहीं मिलता प्रॉपर ना ही एंगुलर के अंदर तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते हैं पार्टिकल सेप के अंदर तो कंटिन्यू रहेगा हमारा यही प्रीफार्मुलेश लेक्चर पार्ट सिक्स के अंदर तो जरूर से पार्ट सिक्स भी ज़रूर से देखिए इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएगी लेक्चर्स की एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और एक्सक्लूसिवली कुछ लेक्चर्स फार्मारॉक्स की ऐप पर भी होते हैं जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं कि अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए एप्पल आईफोन यूज कर दे तो एप्पल आईफोन पर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अफोर्डेबल साइज के अंदर अफोर्डेबल प्राइस के अंदर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह को एक्सेस करिए तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट